दोस्तों, यदि आप बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं और अभी अभी आप बायोलॉजी का एग्ज़ाम देकर के बाहर निकले हैं तो 100% ऑब्जेक्टिव आपको सही मिलेगा। पेपर का कोड ऐप है, आपके पेपर का कोड कोई भी हो, आप केवल क्वेश्चन को मिलान करते चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएँ हैं? तो दोस्तों, ये बिल्कुल डाउटफुल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ए नंबर हो जाएगा राइजोम। अगला है, एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या कहलाते हैं? सी नंबर का सही जवाब हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। अदरक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा परपोषक। अदरक परपोषक कहलाता है। अगला है, पुनर्योजक डीएनए टीके क्या है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, इम्यूनोजेनिक प्रोटीन कहलाएगा। अगला है, कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा सी नंबर का, सी हो जाएगा निषेचन। गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेथेनोजेंस। अगला है आपका, निम्नांकित में से कौन संकट ग्रस्त स्पीसीज है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, लेंटेना। अगला है, पक्षियों तथा तितली का डेना कैसा होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा समजात होते हैं। बहुत सारे डी भी लिए हैं, समजात हो जाएंगे। अगला है, ओका जो कि फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का, बिल्कुल सही जवाब बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, GAATTC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इको, यानी कि RI का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्लाज्मोडिन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमेरिज्म श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, डीएनए प्रवर्धीकरण, जो आज हमने सुबह में ऑब्जेक्टिव अपलोड किया था तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। बहुत सारे लिए हैं, ए लिए हैं, सी लिए हैं, कोई बी लिए हैं, तो दोस्तों इसका सभी हो जाएगा डी नंबर का, बिल्कुल सही जवाब होगा। TI प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी से, यानी कि ए और बी दोनों से, तो सी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, बताइए? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला है, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों, 5 हो जाएगा। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, युग्मनज। ग्राफेन फुटक कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य या फिर मानव अंडाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 45। नेक्स्ट है, जल में ई कोलाइल की अधिकता किसकी सूचक है? तो दोस्तों, पानी का खारापन, औद्योगिक प्रदूषण या फिर मूल वाहित मल जल प्रदूषण। तो दोस्तों, इसमें कोई सी लिया है, कोई ए लिया है, कोई बी लिया है, इसका डी नंबर का सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे हैं, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मीजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों, हैरिला और जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अगला है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिबोनाची, ए नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी। अगला है, ZZ/ZW किस तरह का लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है इस तरह का? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मोर या मुर्गा भी होता है। अगला है, निम्नलिखित में से जैव अधिक आवधिकरण का कारण किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों।
निम्नांकित किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों आम विभिन्न प्रकार के हैं और इसकी बहुत सारी विविधताएं भारत में पाई जाती है। डी हो जाएगा सही जवाब। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, एंडोस्पर्मिक। अगला है पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा बबूल। अगला है निम्नांकित में कौन प्रारंभ कूट है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी, AUG GUG। अगला है रीटो विषाणु निम्नांकित में किस बीमारी का रोग जनक है? तो दोस्तों इससे एड्स होता है, बी सही जवाब। वायु परागण किस में नहीं होता है? तो दोस्तों इसका कोई आंसर जो है बी लिया है, कोई डी लिया है, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। अगला है मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहप्रभाविता। अगला है निम्नांकित में वह स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों ये बिल्कुल सुबह में हम एक वीडियो डाले थे, उसमें ये क्वेश्चन जैसे कि तैसे आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे इसमें से जो है बीज बैंक भी लिए थे, इसका यही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तिलचट्टा, सी जवाब। अगला है ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन का प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें बी, विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद है इसका सही आधार अनुक्रम DNA क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी। निम्नांकित में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों। अगला है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए, स्पोरोजॉइट। अगला है नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो चावल के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द जो है और सारे सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को मिलेगा, और साथ ही साथ जैसे ही आंसर की आता है तो वो भी आपको मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, कभी कभी आंसर की आता है तो वहाँ पर आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।